आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यम्मी टेस्टी डिलीशियस और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी बेसन पेड़ा। बेसन पेड़ा तो आपने पहले बहुत खाया होगा, पर ऐसे वाला आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। तो ऐसे ही बिल्कुल अलग तरीके से और बिल्कुल सिंपल तरीके से आज हम बेसन पेड़ा बनाएंगे। इसको बनाना इतना आसान है कि कोई भी इसको आसानी से बना लेगा, और बिल्कुल सिंपल चीज़ों से जो हमारे घर में हमें आसानी से मिल जाए उसी से हम इसको बनाएंगे। तो चलिए बनाना हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, मेरे यूट्यूब चैनल सोनी फूड स्टाइल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन भी आप प्रेस कर लीजिए। बेसन पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ 3 चम्मच घी लेंगे। चलिए 3 चम्मच घी डाल लेते हैं, और घी के पिघलने के बाद हम अब बेसन लेंगे। यहाँ मैंने 1.5 कप बेसन लिया है, ये पतले वाला बेसन है। अगर आपके पास मोटे वाला बेसन है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो चलिए बेसन को हम लगातार चम्मच से चलाते हुए लो फ्लेम पर ही भून लेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है, और लगातार इसे चम्मच से चलाते हुए ही भूनना है। बेसन बहुत ही जल्दी तले में लग सकता है, ये मुझे थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, तो 1 चम्मच मैं इसमें घी और डाल लेती हूँ। यहाँ मैंने 1 चम्मच घी और डाल लिया है, इसमें टोटल मैंने 4 चम्मच घी लिए हैं, इससे ज़्यादा घी हमें बिल्कुल नहीं लेना है। तो चलिए इसको लगातार चलाते हुए भून लेंगे, और इसको 8 से 10 मिनट तक ही हमें लो फ्लेम पर पकाना है। लगातार चलाते हुए ही इसको पकाना है, और 8 से 10 मिनट हो जाने के बाद हम इसमें चीनी डाल लेंगे। यहाँ मैंने 1 कप चीनी ली है। आपके पास अगर चीनी का पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ नॉर्मल चीनी ली है। चलिए चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लगातार 3 से 4 मिनट हम चलाएंगे, जिससे चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। जब तक चीनी मेल्ट हो रही है तो हम एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया है, और 1/2 कप मैंने नारियल का बुरादा लिया है, जो आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपको नारियल का बुरादा नहीं मिले तो आप जो सूखे वाला नारियल होता है उसका छिलका उतार कर और उसको मिक्सी में पीस के हम ले सकते हैं, उसका पाउडर बना सकते हैं। तो चलिए इसका एक स्मूथ सा हम पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है, अब इसको हम बेसन में मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अभी हम इसको बेसन में मिक्स कर लेंगे। इसको चम्मच से चलाते हुए ही लगातार मिक्स करना है, इसमें कोई भी गुठली ना हो, ऐसे चलाते हुए ही मिक्स करना है, कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। 3 से 4 मिनट इसको लगातार पकाना है। अब इसी स्टेज पर मैंने यहाँ 1/2 कप मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर भी आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, आप कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो आप यहाँ मावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा मावा डाल लीजिए। मिल्क पाउडर डालने से भी बिल्कुल मावे का टेस्ट आएगा। अब इसी स्टेज पर हम 1 छोटी चम्मच यहाँ इलायची पाउडर डाल लेंगे। इलायची पाउडर की जगह आप केसर के जो धागे होते हैं उसको थोड़ा सा दूध में भिगोकर गुनगुने दूध में भिगो लीजिए और वो डाल लीजिए। तो चलिए इसे पका लेते हैं। इसको मैंने लगातार 3 से 4 मिनट और पका लिया है, अब ये पैन को छोड़ने लगा है। गैस को बंद करके हम इसको ठंडा कर लेंगे। मिश्रण हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, अब हथेली पर थोड़ा सा घी लगा के, आप ऐसे भी बना सकते हैं अगर ये चिपके तो आप हथेली पर थोड़ा सा घी लगा लीजिए, और थोड़ा सा मिश्रण हम लेंगे, बिल्कुल जैसे नींबू होता है इतने साइज़ का हमें मिश्रण लेना है, और हथेली पर ऐसे गोल करते हुए हल्का सा लंबा करेंगे और इसको ऐसे दबाते हुए पेड़े की शेप देंगे। देखिए ऐसे ये बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है।
तो चलिए एक और मैं बना के दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सा हथेली पर घी लगाएंगे और थोड़ा सा मिश्रण लेंगे, पहले गोल करेंगे, फिर हल्का सा इसे लंबा करेंगे ऐसे, और फिर हाथ से दबाते हुए इसको पेड़े की शेप देंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे पेड़े होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। पेड़े मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। यहाँ मैंने थोड़ा नारियल का बुरादा लिया है। अब पेड़े को मैं नारियल के बुरादे से डेकोरेट करूँगी। इसको थोड़ा थोड़ा डालकर मैंने ऊपर से ही डाला है ऐसे, बिल्कुल इसको डेकोरेट कर लेंगे अच्छे से। आप अपनी पसंद से इसे डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो, बिल्कुल ऐसे ही नारियल का बुरादा डाल लेंगे। और यहाँ मैंने थोड़े पिस्ते लिए हैं, चलिए वो भी लगा देते हैं, जिससे ये बहुत ही सुंदर लगेंगे देखने में भी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हो जाएंगे। तो चलिए इसको मैंने डेकोरेट कर लिया है, देखिए लग रहे हैं ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर। आप ऐसे बना सकते हैं और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। एक मैंने ऐसे ही छोड़ लिया है, उसको मैं नारियल के बुरादे में ऐसे ऐसे कोट करूँगी। देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही सुंदर लगेंगे। देखिए पिस्ते से गार्निश कर दिया है, देखिए लग रहा है ना बहुत सुंदर। ये बहुत ही सुंदर लगता है और खाने में तो इतना लाजवाब है कि क्या बताऊँ। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप ट्राई कर सकते हैं, आप भी इसको बना सकते हैं और आप बना के देखिए और कैसे ये रेसिपी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।